हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज आपको पसंद आते होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदी व्याकरण के लोगों के लिए वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बात कर रहा हूँ समास की। समास क्या होता है, बिना किसी भूमिका के मैं सीधे ले चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। हम और आप मिलकर के आज सीखेंगे समास। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समास। समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है आप नोट करेंगे, समास शब्द का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो होता है संक्षिप्त करना। क्या करना बच्चों, संक्षिप्त करना, मतलब किसी चीज को छोटा करना। अब इस समास में कुछ हमारी शब्दावलियां हैं जो यूज की जाती हैं, उसको मैं आपको यहां पे नोट कर दूं। लिखा जाता है पूर्व पद, एक शब्द है पूर्व पद, दूसरा है हमारा उत्तर पद, तीसरा है सामासिक शब्द, सामासिक पद, और एक है समास विग्रह। समास विग्रह ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम इनका प्रयोग करते हैं। आपको जानना ये नितांत आवश्यक है। जो हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद को ही हम प्रथम पद कहते हैं। पूर्व पद को प्रथम पद कहा जाता है, उत्तर पद को द्वितीय पद कहा जाता है, सामासिक शब्द जो है, जो हमारा जो सामासिक शब्द है, जो पूरा पद है, संपूर्ण जो पद है, यानी जो संपूर्ण पद है उसको सामासिक पद कहते हैं, और है समास विग्रह। विग्रह मतलब होता है कि जो उसका सामासिक पद है, सामासिक पद को अलग अलग करना, अलग अलग करना। ये कुछ हमारी शब्दावलियां हैं जो हमारे समास में यूज होती हैं, जिसमें पहला आता है पूर्व पद यानी प्रथम पद, उत्तर पद यानी द्वितीय पद, सामासिक पद यानी वो संपूर्ण शब्द जो है, समास विग्रह यानी उस सामासिक पद के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना ही सामासिक पद जो है समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको राज धन पुरुष, और ये मिल करके होगा राज पुरुष। क्या होगा, राज पुरुष। ध्यान दीजिए, ये पहला शब्द हो गया और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो यहां पे जो पहला है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रथम पद या पूर्व पद। आप समझ रहे हैं, ये हो गया प्रथम पद या पूर्व पद। ये दूसरे नंबर पे जो आया है वो क्या होगा भाई, वो होगा हमारा उत्तर पद या द्वितीय पद, उत्तर पद या द्वितीय पद। और ये पूरे राजपुरुष को क्या कहेंगे, राजपुरुष को क्या कहेंगे, सामासिक पद। क्या बोलेंगे, सामासिक पद बोलेंगे। और ये राज धन पुरुष को क्या बोलेंगे, समास विग्रह। इसको क्या बोलेंगे, चौथे नंबर को समास विग्रह। कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए आपको। मैंने शब्द लिखा राज धन पुरुष बराबर हो गया राज पुरुष। इस राज पुरुष में एक शब्द जुड़ा था राज, दूसरा शब्द जुड़ा था पुरुष, मिलकर के हुआ राज पुरुष। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद यानी पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये सामासिक पद। अब यहां से चीजें आपको क्या समझ में आ रही है, अब यहां से जो चीजें समझ में आ रही है राज पुरुष में, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, और ये दोनों सार्थक शब्द है। ध्यान दीजिए, ये दोनों सार्थक शब्द है, और दोनों का क्या हो रहा है, जब योग हो रहा है तो एक तीसरा सार्थक पद बन रहा है।
यानी समास की परिभाषा क्या होगी? समास की परिभाषा होगी जब दो सार्थक पद आपस में मिलकर एक तीसरे सार्थक पद का निर्माण करते हैं इसको समास कहते हैं। कोई संदेह आपको? जब दो सार्थक पद आपस में मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है और इन पदों को प्रथम पद या उत्तर पद कहा जाता है। बनने वाले शब्द को सामासिक पद कहा जाता है या संपूर्ण पद कहा जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, मैंने समास के बारे में आपको आपसे चर्चा की, अब मैं यहाँ पे समास के जो वर्गीकरण किया गया है समास का, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। समास का जो वर्गीकरण है उसके जो प्रकार हैं समास के छह प्रकार, उन छह प्रकार को मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहला प्रकार है तत्पुरुष समास, आप नोट करिएगा, पहला है आपका तत्पुरुष समास। दूसरा लिखिए आप अव्ययी भाव समास, क्या लिखेंगे? अव्ययी भाव समास, ठीक। तीसरा लिखेंगे द्विगु समास, क्या लिखेंगे? द्विगु समास। चौथा लिखेंगे द्वंद्व समास, चौथा द्वंद्व समास हो गया। पांचवा लिखेंगे बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास। और छठवा लिखेंगे कर्मधारय समास, छठवा क्या होगा? कर्मधारय समास। बच्चों, दोस्तों, साथियों, ये समास के प्रकार हैं, जिसमें पहला समास हमारा तत्पुरुष समास है, दूसरा समास हमारा अव्ययी भाव समास है, तीसरा समास हमारा द्विगु समास है, फिर हमारा द्वंद्व समास है, फिर बहुव्रीहि समास है, और फिर हमारा कर्मधारय समास है। तो अब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमारी बात शुरू होगी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। ध्यान दीजिएगा, पहली विशेषता, दूसरी विशेषता कि उसके जो कारक चिन्ह हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा में जिसका उत्तर पद प्रधान हो और जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके जानने से पहले हमको कारक जानना पड़ेगा। कारक जो है, जैसे आपका कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, तीसरा है आपका करण कारक, चौथा आपका है संप्रदान कारक। संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, संबंध कारक, और सातवां है आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। पढ़े होंगे आपको, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कर्ता में कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध ताकि के, और अधिकरण में पर आपने इसको पढ़ा होगा।
जो कर्ता कारक है, अब इसको समझेंगे आप। अब कर्ता कारक जो है और कर्म कारक है, इसके कुछ चिन्ह होते हैं। कर्ता का संबंध होता है मैं, कर्म का होता है को, करण का होता है से, और संप्रदान का क्या होता है के लिए, आपादान का क्या होता है से पृथक से अलग, और संबंध का क्या होता है का की के, और अधिकरण का क्या होता है में पै पर। इसको नोट कर लें आप, इसके चिन्ह होते हैं। जो विभक्तियां होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है ना, और सप्तमी विभक्ति, इसको हम कहेंगे प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, और ये क्या हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। आप नोट कर सकते हैं ये हो जाएगा तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, यह हो जाएगा पंचमी विभक्ति, यह हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, और यह हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। विभक्ति आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, इसके चिन्ह होते हैं ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, इस तरीके से होता है। समझ रहे हैं ना, जैसे अगर हम एक उदाहरण लिखते हैं, अभी जैसे मैंने उदाहरण लिया दिया था राज पुरुष, और इसका जब विग्रह हुआ तो हो गया राजा का पुरुष। समझिए ये क्या हो गया, समझ रहे हैं राजा का पुरुष। अब यहां पे देखेंगे का कहां पे आता है, का कहां आता है भाई, का आता है इसमें, तो यानी कहने को तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। अब राजा का पुरुष में कौन विभक्ति हुई खष्टी, यहां लिखेंगे आप खष्टी तत्पुरुष समास। अगर अंदर डिटेल आता है पूछने के लिए तो आप लिख सकते हैं खष्टी तत्पुरुष समास, नहीं तो सीधे लिख सकते हैं, सीधे क्या लिख देंगे तत्पुरुष समास। देख रहे हैं, यानी कि जिनमें विभक्तियों का कारक चिन्हों का लोप हो जाए। राजपुरुष में देखिए जो का शब्द है इसका लोप हो गया है, इसलिए ये हमारा तत्पुरुष समास है। और इसमें जो उत्तर पद पुरुष है, यह उत्तर पद हमारा प्रधान है, जिसके चलते इसमें हो गया तत्पुरुष समास। कोई डाउट, कोई संदेह? ऐसे ही ये सब जितने जितने भी आप देख रहे हैं, अभी आप वर्ड सब यूज करें विद्यालय, विद्यालय अगर आप यूज करें, विद्या का आलय, विद्या का घर, तो उसमें भी आपका तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही अगर इन कारक चिन्हों का इस्तेमाल करके हम जिसको लिखेंगे, जैसे जहां पे नहीं आएगा वहां पे हो जाएगा प्रथमा तत्पुरुष समास, और कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसको हालांकि थोड़ा सा संस्कृत का चीज है, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया जैसे करण और मैं अधिकरण में आपको समझाता हूं, जैसे घर वैसे लिख दें घर में। अब जो में शब्द आया है यानी गृह अगर हम संस्कृत में कहें तो यहां पे हमारी सप्तमी हो जाएगी, यानी कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। इस तरीके से आप मेरी बात को समझ सकते हैं। मैं इसको और डिटेल में नहीं जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए हम आपको आगे ले सकते हैं। आपको ये तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा समास बताता हूं, और दूसरा समास है मेरा कर्मधारय। दूसरा समास है कर्मधारय समास। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की, तो इसमें कर्मधारय का कैसे हम यूज करते हैं।
कर्मधार है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और दोनों शब्द आपस में विशेषण या विशेष्य, ध्यान दीजिएगा विशेषण या विशेष्य से जुड़े हो, जिसमें प्रथम जिसमें उत्तम पद जो है द्वितीय पद जिसमें प्रधान हो और जिसमें विशेषण विशेष आए या उपमान और उपमेय आए वहां पे होता है हमारा कर्मधारय समास। ये तो परिभाषा हो गई लेकिन उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हमने उदाहरण लिख दिया नील कमल, क्या लिख दिया नील कमल। यहां पे देखिए कमल जो है ये हमारा उत्तर पद है ना, और यही हमारा क्या है प्रधान है। तो एक कंडीशन तो हो गई कि उत्तर पद प्रधान है, दूसरा कि विशेषण और विशेष हो। देखिए नील जो है हमारा ये हमारा है विशेषण, समझ रहे हैं ना, और जो हमारा कमल है ये क्या है हमारा भाई, ये हमारा विशेष है। विशेष है मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको हम विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। एकदम सीधे साधे सपाट शब्दों में समझने की जरूरत आपको है कि एक ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहेंगे। यानी कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है, उसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है भाई, उसकी सब विशेषताएं नील शब्द बता रहा है, तो नील शब्द हो गया विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाएगी वो शब्द होगा विशेष, समझ रहे हैं। उसने कहा कि विशेषण या विशेष हो अथवा उपमान और उपमेय हो, उपमान और उपमेय हो। अब यहां पे जो नील है ना ये हमारा उपमान है, नील उपमान है और कमल जो है उपमेय है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा उपमान है और ये हमारा उपमेय है, यानी जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। नील कमल का मतलब होगा नीले कमल के समान, नीले कमल के समान, ये इसका विग्रह हो जाएगा नीले कमल के समान, और यहां पे होगा कर्मधारय समास। देख रहे हैं नहीं, जैसे कहा जाए मृग नयनी, मृग नयनी, ये पूरी बात समझ में आई आपको, विशेषण विशेष उपमान और उपमेय और उत्तर पद प्रधान। अगर मृग नयनी में हम देखें तो यहां पे देखिए मृग और ये नयन, ये नयन हमारा उत्तर पद है और यही हमारा क्या है प्रधान है। कहा गया है कि जो नेत्र है उसके वो मृग के समान है, यानी बहुत चंचल है, मृग बहुत चंचल होता है, ये हमारा उपमान हो गया और नयनी हमारा उपमेय हो गया, समझ रहे हैं। दूसरा क्या है भाई, मृग जो है हमारा विशेषण हो गया और नयनी जो हमारा विशेष हो गया, ध्यान दीजिए विशेषण विशेष उपमान और उपमेय, आप उसमें उपमा अलंकार भी पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा वीडियो में। विशेषण विशेष हो प्रथम पद और उत्तर पद या उपमान और उपमेय हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं कि कर्मधारय समास ऐसे समास होते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, समझ रहे हैं। उत्तर पद मतलब द्वितीय पद जिसका प्रधान हो, जिसमें दोनों पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद दोनों या तो विशेषण विशेष हो या उपमान और उपमेय हो, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, जो विशेषता बताए और जिसकी विशेषता बताए, तो ऐसी कंडीशन में होगा हमारा कर्म धारय समास। आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। मिठा समास,
अब हम एक दूसरे समास की बात करते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं द्विगु समास। लोग द्विगु बोलते हैं, उसको द्विगु बोला जाता है। द्विगु समास संस्कृत में कहा जाता है समाहारे द्विगु। संस्कृत में कहते हैं समाहारे द्विगु, परिभाषा में बोलते हैं समाहारे द्विगु। समाहार का क्या मतलब है? समाहार, समाहार का मतलब होता है बच्चों समूह। समूह सूचक जिसे जो होता है उसको बोलते हैं हम समाहार। यानी एक ऐसा समास जिससे किसी जो है जिससे किसी उसका बोध होता हो, समूह का बोध होता हो, माफ कीजिएगा, समूह का बोध होता हो और जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों जो है प्रधान न, कोई तीसरा शब्द बन जाए। आप ऐसे लिख दें, द्विगु समास ऐसे समास को कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा भाई, प्रथम पद, हेलो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद ये दोनों प्रधान न हो। प्रधान मतलब समझ रहे भाई, गांव वाला बीडीसी प्रधानी वाला नहीं है। प्रधान मतलब विशेष हो, क्यों मेन रोल में हो, जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। हेलो कहां है भाई, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। मैंने बोला ना समाहार मतलब समूह, समूह मतलब क्या कलेक्शन, जिसको हम काउंट करेंगे गिन सकेंगे। यानी जिसका जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण होगा दोस्तों साथियों मेरे प्यारे बच्चों, और जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद में कोई भी प्रधान नहीं होगा बल्कि किसी तीसरे के बारे में बात होगी, किसी तीसरे के बारे में कहा जाए। मैं बार बार लिख रहा हूं, देख समास की परिभाषा समाहारे द्विगु। समाहारे मतलब समूह सूचक जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न हो, और जिसमें प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो, और प्रथम पद उत्तर पद जब आपस में मिले तो किसी तीसरे शब्द का निर्माण करें, तीसरा अर्थ दें, उसे कहते हैं द्विगु समास। उदाहरण बता दूं, उदाहरण में लिख दें आप पंचवटी। पंचवटी कहेंगे हो जाएगा पांच वटों का समूह। हेलो पंचा नाम वटा नाम समाहार संस्कृत में कहा जाएगा, पांच वटों का समूह। अब इसमें जो पंच शब्द है, पंच शब्द क्या है भाई, पंच शब्द हमारा संख्यावाचक है, दूसरा क्या है ये विशेषण है, तीसरा क्या है कि ये प्रथम पद है ना, और वटी शब्द क्या है ये हमारा उत्तर पद है, अप्रधान है, और प्रथम पद भी जो हमारा वो अप्रधान है, प्रथम पद भी हमारा अप्रधान है, और मिलकर के वो बना रहे हैं पंचवटी। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास, ठीक है, ये हमारा द्विगु समास है। तो ये आप समझ लीजिए कि पंचवटी की जिसमें प्रथम पद संख्यावाची है, विशेषण है, और ये समूह की बात हो रही है। आप इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं दूसरा समास बताता हूं। द्विगु समास के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी ये और लंबा चलेगा। समाहार द्विगु समास आपका हो गया। अब हम बताएं आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? अब आप सोचेंगे कि ये द्वंद्व समास है, अगर द्वंद्व मतलब क्या होता है, परस्पर। द्वंद्व मतलब परस्पर, द्वंद्व मतलब परस्पर, परस्पर मतलब आपस में, परस्पर मतलब आपस में। इसकी परिभाषा क्या होगी,
पहली कंडीशन क्या होगी, जिसका प्रथम पद और जिसका उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हों, दोनों प्रधान हों और उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह जानते कैसे बनता है, ऐसे बनता है। योजक मतलब होता है जोड़ने वाला, योजक जिसमें ये और अथवा या इन शब्दों से अगर वो जुड़े हों तो वहां पे होता है द्वंद्व समास। ध्यान दीजिए, जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं, और वो दोनों जो शब्द हैं वो आपस में योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े होते हैं और वहां पे होता है द्वंद्व समास। जैसे हमने लिख दिया चक्रपाणि, चक्रपाणि, चक्र और पाणि, चक्र और पाणि। फिर हमने क्या लिख दिया भाई, माता पिता, चक्रपाणि आगे कर दिया, माता पिता, इसको क्या कर देंगे हम, माता और पिता, माता और पिता, ये क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जैसे आपने कह दिया पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य बनेगा, ठीक है। आइए अगला समास हम आपसे चर्चा करते हैं और उसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि लोग बोलते हैं, नहीं, बहुव्रीहि समास। मैंने कौन कौन सा समास बताया आपको, मैंने आपको बताया तत्पुरुष, भाई याद दिलाइएगा, मैंने आपको बताया कर्मधारय, मैंने आपको बताया द्विगु, मैंने आपको बताया द्वंद्व। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा छूट रहा है भाई बताइए, कौन सा छूट रहा है, अव्ययी भाव, कौन सा छूट रहा है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हमने बताया था कि नहीं बताया था, तो शायद हमने बता दिया था अव्ययी भाव। चलिए बहुव्रीहि समास संस्कृत में कहते हैं यस्य स, यानी जिससे किसी तीसरे का बोध हो, तीसरे का बोध हो। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, आपका बहुव्रीहि जो है जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद ये दोनों पद में कोई भी पद प्रधान न हो, कोई भी पद प्रधान न हो, किसी तीसरे की बात कही जा रहा है, किसी तीसरे की बात कही जा रही, समझिए बहुव्रीहि जो है, और प्रथम पद जो है, प्रथम पद इसका संख्यावाची है। बोलते हैं बहुव्रीहि समास, उदाहरण में लिख दें दशानन, दशा, दशानन, और हम लिख दें इसका विग्रह होगा दस आनन है जिसके, दस आनन है जिसके,
आनंद का मतलब क्या होता है भाई? मुख होता है। दस आनंद किसके हैं भाई? कोई एक तीसरा अर्थ निकला, तीसरा अर्थ निकला, और तीसरा अर्थ क्या निकल गया? रावण। तीसरा अर्थ क्या निकल गया? रावण। मैंने बताया ना कि दस और ये आनंद, दस और आनंद, इसमें प्रथम पद आपका संख्यावाचक है, ठीक है, ये आपका दूसरा पद है, ये भी आपका अप्रधान है, और दस जो है ये भी आपका अप्रधान है, और ये मिल करके किसी तीसरे शब्द का बोध करा रहे हैं रावण। आप नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा दशानन। इस तरीके से आपका जो है ये हो गया बहुव्रीहि समास। कभी कभी बहुव्रीहि समास और दीर्घ समास में अंतर कभी हम स्पष्ट नहीं कर पाते, ध्यान दीजिएगा, नोट हो गया है। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं एक उदाहरण के माध्यम से, बहुव्रीहि और दीर्घ, बहुव्रीहि समास वर्सेस दीर्घ समास। दीर्घ समास का मतलब समाहारे, समाहारे यस्य स, और ये क्या हो समाहारे दीर्घ, और ये क्या होगा यस्य स। अब इनमें क्या करना, बस थोड़ी सी बात में समझनी है कि दीर्घ समास और बहुव्रीहि समास में बहुत हमको समझना है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे दीर्घ समास और उसमें। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मैंने आपको दीर्घ समास में बताया कि प्रथम पद, उत्तर पद, विशेषण, विशेष्य हूं पहली अवस्था, दूसरी अवस्था उपमान और उपमेय हूं, मैंने बोला आपको उपमान और उपमेय की कंडीशन हो, तीसरी अवस्था बोला कि प्रथम पद संख्यावाची हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद संख्यावाची हो। दीर्घ समास में मैंने आपको बताया प्रथम पद जो है आपका संख्यावाची हो, और दोनों पद अप्रधान उसे बोलते हैं दीर्घ, और हमने बोला बहुव्रीहि में कि प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाची हो, ये दोनों चीजें कॉमन मिल रही हैं, संख्यावाची ये दोनों चीजें कॉमन मिल रही हैं, दोनों में सामान्य है इसमें भी उसमें भी, लेकिन इसमें क्या है बहुव्रीहि में जो होता है इसमें उत्तर पद वो बेटा प्रधान होता है, ध्यान दीजिए। दीर्घ समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों अप्रधान होते हैं, एकदम मैं बहुत स्पष्ट बात आपको बताऊं कि इसमें उत्तर पद देखिए प्रधान है और इसमें दोनों पद अप्रधान है। हाँ ये अलग बात है कि प्रथम पद संख्यावाची है, इसका भी प्रथम पद संख्यावाची है, लेकिन इसमें या तो वो विशेषण विशेष्य होंगे या तो वे उपमान और उपमेय होंगे, तभी वो दीर्घ समास बनेगा। जैसे हमने लिख दिया पंचवटी, आपने लिख दिया पंचवटी, और यहां पे आपने लिख दिया दशानन, दशानन आपने यहां पे लिख दिया दशानन। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो है जो आपने लिख दिया दस धन आनंद, अब इसमें जो है जहां तक बात करें ये दोनों पद जो है ना ये अप्रधान है, और पंचवटी में जो ये वटी है ये आपका प्रधान है, और ये है कौन सा पद, ये है बच्चों उत्तर पद। दोस्तों और साथियों पंचवटी में पंच उत्तर पद है और यही पद प्रधान है, यहां पर लिखा था ना, और इसका प्रथम पद क्या है भाई वो संख्यावाची है, परिभाषा समझ में आ गई, और उत्तर पद प्रधान है। दूसरा क्या है
दस आनंद में जो दस जो है ये है हमारी, ये हमारा विशेषण, और आनंद क्या है ये है हमारा विशेष। दस आनंद में दस जो है हमारा विशेषण है और आनंद जो है विशेष है। अभी विशेषण समझ रहे हैं कि नहीं, ये संख्यावाचक विशेषण है दस, और दूसरा क्या है यह उपमान है और यह उपमेय है। उपमान ये है और वो उपमेय है, और इसलिए इसमें हो गया द्विगु समास और इसमें हो गया हमारा पंचवटी में बहुव्रीहि समास। उदाहरण के माध्यम से मैंने अपनी बात आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम अंतिम में आते हैं अव्ययी भाव समास। हेडिंग डाल लीजिए आप अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है भाई? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव मतलब जिसका प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय हो, और प्रथम पद ही प्रधान हो, उसे कहेंगे हम अव्ययी भाव समास। जिसका प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे? प्रति, यथा, यावत, यह इसकी पहचान है। जैसे हमने उदाहरण दिया यथा शक्ति, यथा शक्ति, इसको अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। अब एकदम जो है परेशान न होइएगा कि संस्कृत कहां से आ गई, शक्तिम अनतिक्रम्य करके हमारा बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको हिंदी में विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये हो गया यथाशक्ति, ठीक है। और जैसे हो गया हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन को संस्कृत में करेंगे तो होगा दिनम, दिनम प्रति, ठीक है संस्कृत में। और उसको लिखेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, और ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। कहीं कोई दिक्कत आपको? प्रति हो गया, यावत हो गया, यथा हो गया, अंग हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। इसका प्रथम पद प्रधान हो और वो अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास करते हैं। यथाशक्ति और प्रतिदिन ये उसके उदाहरण हैं। दोस्तों और साथियों, हमारे भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से समास के छह हिस्से समाप्त होते हैं। मैंने बताया समास वो है जब दो सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं और एक कोई तीसरा शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। कुछ लोग समास और संधि में अक्सर परेशान हो जाते हैं। समास का विग्रह किया जाता है, संधि का विच्छेद किया जाता है। जब जो संधि होती है, संधि में वर्ण आपस में आके मिलते हैं और समास में शब्द आकर के मिलते हैं। आपको पता है ना, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, यानी किसी दो शब्दों के जो, किसी दो शब्दों का प्रथम और आखिरी वर्ण आपस में आके मिलता है तो वहां पे होती है संधि, वहां पे क्या होती है? संधि होती है। और जब दो शब्द आपस में आकर के मिलते हैं, सार्थक शब्द और एक तीसरा शब्द उत्पन्न करते हैं, उसको समास कहते हैं। समास में मैंने आपको तत्पुरुष समास बताया, तत्पुरुष समास में विभक्तियों के आधार पर मैंने समास बताया, उसके बाद मैंने आपको कर्मधारय समास बताया, मैंने अव्ययी भाव समास बताया, बहुव्रीहि और द्विगु समास का मैंने विश्लेषण किया, ठीक है, द्वंद्व समास बताया, द्विगु समास बताया, और इस तरीके से आपके छह के छह
समाप्त समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की तमाम वीडियो डालता रहूंगा। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।